हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउंस। इससे पहले हम फर्स्ट 3 लेसन्स जो हैं वो क्लास फोर्थ की इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट करवा चुके हैं विद ऑल द एक्सरसाइज के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउंस। कलेक्टिव नाउंस यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नाउन के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, नाउन क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। नाउन होती है संज्ञा और कलेक्टिव का मीनिंग आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव का मीनिंग होता है समूहवाचक, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A noun, a collective noun is the name given to a group of people, animals or things of the same kind spoken of as one whole. Collective noun क्या होता है? ये एक नाम दिया जाता है group of peoples को या फिर group of animals को या group of things को जो एक तरह की होती हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या फिर किसी वस्तु का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स है जैसे हमारे पास क्लास। क्लास किससे बनी है? क्लास बनी है बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स को मिला के। क्लास होती है एक ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास यूज करते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल राइट। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे फैमिली। तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, क्यों? क्योंकि फैमिली जो यूज करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो घर के अंदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। जिस तरह से क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, उस तरह से फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे टीम। अब टीम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द क्रिकेट, तो वो 11 प्लेयर्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टीम बना रहे हैं। तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, या फिर टीम हम एक कलेक्टिव नाउन है जो हम यूज करते हैं फॉर ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए, ठीक है। टीम जो है वो 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, या फिर सो मैनी। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह की और सारी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम इस चैप्टर में जो है आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दी है यहाँ पे, बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके है एक फ्लावर्स का, ठीक है। तो फ्लावर एक होता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स, उसे हम बोलते हैं बुके। जैसे है टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? टीम। नेक्स्ट है लिटर ऑफ पपीज। पपीज अगर पपी एक से ज्यादा है, पपी क्या होता है? जो डॉग का बेबी होता है उसे हम पपीज बोलते हैं। तो पपी जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, लिटर का यूज करते हैं। अब आते हैं ए पार्ट की तरफ। ए पार्ट जो है वो हमारा है कंप्लीट द फ्रेजेस विद कलेक्टिव नाउंस। नीचे कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। जो फिलअप्स दिए हैं उनको कंप्लीट करना है विद द यूज ऑफ दीज फ्रेजेस। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा इसमें? डैश किसके लिए, स्टूडेंट्स किसके लिए यूज किया जाता है? क्लास के लिए। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद ऑफ ग्रेप्स, तो यहां पे क्या आएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा। किसका गुच्छा? ग्रेप्स का गुच्छा। तो ग्रेप्स अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है ए डैश ऑफ रॉबर्स। इसमें आएगा आपका गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है डैश ए और डैश ऑफ फिश। इसमें आएगा आपका शोल, SHOAL। अगर एक से ज्यादा फिश होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ फिशेस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कौन सा नाउन यूज करते हैं? कलेक्टिव नाउन शोल।
डैश ऑफ स्टार्स, स्टार्स के लिए हम यूज करते हैं क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है, क्लस्टर। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है ऑफ बीज, इसके लिए आता है स्वार्म, SWARM, स्वार्म ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ बीज के लिए क्या यूज वर्ड करते हैं कलेक्टिव नाउन हम, स्वार्म का। डैश ऑफ सिंगर्स, इसमें हम यूज करेंगे चॉयर ऑफ सिंगर्स, CHOIR, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ एन डैश ऑफ एंट्स, एन आर्मी, आर्मी ऑफ एंट्स, जो ग्रुप ऑफ एंट्स होते हैं उसके लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, आर्मी ऑफ एंट्स। तो ये था हमारा ए पार्ट। इसके बाद चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। ड्रॉ लाइंस टू मैच द कलेक्टिव नाउन्स इन कॉलम ए विद द कॉलम विद द कॉमन नाउन्स इन कॉलम बी। ए कॉलम को आपने बी कॉलम के साथ मैच करना है। जैसे बैंड है, नाउन्स दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन्स जो है वो ए वाले साइड दिए हुए हैं और बी वाले साइड में जो कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो बैंड हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के लिए। तो फर्स्ट ए पार्ट जो है वो जी के साथ मैच करेगा, तो फर्स्ट आएगा जी के साथ। नेक्स्ट पैकेट, पैकेट किसके लिए यूज करते हैं हम, बिस्किट्स के लिए, ठीक है। तो दूसरे में आएगा बिस्किट्स, पैकेट ऑफ बिस्किट्स। ब्रूड, ब्रूड थ्री जो है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, चिकन्स के लिए, ब्रूड ऑफ चिकन्स, थर्ड पार्ट। फोर्थ पैक, पैक जो है फोर्थ जो है वो आएगा आपका वुल्व्स के लिए, फोर्थ, ठीक है। बार, फिफ्थ बार ऑफ, यहां पे क्या आएगा, चॉकलेट्स, बार ऑफ चॉकलेट, फिफ्थ आएगा चॉकलेट। ट्रूप सिक्स्थ जो है वो मैच करेगा एक्टर्स के साथ, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, ऑल राइट। सिक्स सेवंथ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ बुक्स आएगा यहां पे, सेवंथ बुक्स के साथ मैच करेगा। ब्लॉक एट्थ जो है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स आएगा, एट्थ मैच विथ ए पार्ट। नाइन फ्लीट, फ्लीट ऑफ शीप्स, सी पार्ट के साथ मैच करेगा नाइन। एंड टेंथ फ्लॉक ऑफ शीप, ये आएगा आपका शीप के साथ। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी पार्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स, नीचे फिलअप्स दिए हैं, इसमें आपने एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स का यूज करना है जो आपको इस बॉक्स के अंदर दी हुई है। जैसे फर्स्ट है मिस्टर सोनी हैज ए लार्ज ऑफ स्टैंप्स, तो लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स, COLLECTION, लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स। राहुल कैरिड द डैश ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज शोल्डर्स, राहुल कैरिड द बंडल ऑफ क्लॉथ्स, बंडल ऑफ एस नहीं आएगा, बंडल ऑफ क्लॉथ्स। एहाना ब्रॉट ए डैश ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, PACK, पैक ऑफ कार्ड्स। देर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, प्लेयर्स के लिए क्या कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, टीम। द स्पीडिंग ट्रक वॉज स्टॉप्ड बाई ए हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ काउज, एक से ज्यादा काउज हो तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं हर्ड का। देर वॉज ए डैश ऑफ बीज इन माई गार्डन, स्वार्म ऑफ बीज, पहले भी किया ये, स्वार्म ऑफ बीज। द मैनेजिंग कमेटी, COMMITEE, देर इज द मैनेजिंग कमेटी विल होल्ड इट्स मीटिंग इन सितंबर। और लास्ट पार्ट है एट्थ पार्ट हमारा, द डैश ऑफ सेलर्स, द क्रू ऑफ सेलर्स, द क्रू ऑफ सेलर्स हैड टू फेस ए स्टॉर्म इन द सी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुइटेबल नाउन्स। नीचे फिलअप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे बॉक्स में आपको नाउन्स दिए हुए हैं, इनसे इनका यूज करके आपने फिलअप्स को भरना है। लाइक फर्स्ट वन जैसे है, ए चर्च चॉयर इज अ ग्रुप ऑफ, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, SINGERS, सिंगर्स आएगा क्योंकि सिंगर्स किसके लिए यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के लिए, ठीक है। ए प्राइड ऑफ, प्राइड जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस के लिए, तो प्राइड ऑफ लाइंस, ये नाउन लाइन क्या है, नाउन है। और कलेक्टिव नाउन क्या है, यहाँ पे प्राइड है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, चॉयर है। कास्ट एक कलेक्टिव नाउन है, इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स। द सेलर्स स्पॉटेड ए स्कूल ऑफ, यहां पे आएगा वेल्स, सेलर्स वेल्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं वो करते हैं हम स्कूल। यहां पे जो रेड कलर में दिए हैं ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं और जो हम फिलिप्स भर रहे हैं ये सिर्फ नाउन है। द
द पीजन नेवर वेंट फार फ्रॉम इट्स क्लच ऑफ एग्स. और ओके, ए स्टाफ ऑफ टीचर्स अटेंडेड द मीटिंग. आई केप्ट माई बुक्स नीटली इन अ चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स. एंड लास्ट वन, ए गैगल ऑफ गीज कैन मेक ए लॉट ऑफ नाइस. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 4th. तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपके डाउट्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे. तो हमारे इस वीडियो को अगर आपने आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.